हे गाइस, तो आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है एपिसोड नंबर 1 ब्लैक फन गेम का। वैसे इस गेम के बारे में ऑलरेडी मैंने आप सभी लोगों को बता के रखा, ये गेम पैलवर पीसी का टोटली कॉपी गेम है जो अभी मोबाइल में चलता है। वैसे ये गेम ना अभी अपने लिए थोड़ा न्यू है, पर चलो देखते हैं अपन क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपन बहुत सारा स्टोन कलेक्ट करेंगे, उसके बाद में उड़की, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा जरूरत ये इन सभी चीज़ों की पड़ती है। वैसे मैंने क्या एक्स और पिकेक्स ऑलरेडी बना के रखी, तो उसकी अपने कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ से थोड़ा स्टोन कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में उड़ कलेक्ट करेंगे। और फिर गाइस मेरे को एक ऐसी प्लेस ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मैं अपना बेस बना पाऊँ। तो कहते अभी मेरा जो फर्स्ट काम है ना वो यही काम है कि मुझे अपना एक छोटा सा बेस बनाना है। उसके एक सिक्योर एरिया ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे ना थोड़ा अच्छा एरिया हो और वहाँ पे अपने लिए कोई खतरा भी ना, और वहाँ पे का नज़ारा भी ना थोड़ा मस्त होना चाहिए और आसपास में सारे रिसोर्सेज भी होने चाहिए। उसके बाद में अपन पैल कैप्चर करेंगे। ओके, 11 लेवल का पैल और ये मॉन्स्टर पैल दिख रहा है भाई, इससे कोई पंगे लेने की अभी कोई जरूरत नहीं। अभी अपने छोटे मोटे काम करते हैं। स्टार्टिंग में अभी किसी भी पैल से कोई पंगे नहीं लूंगा, मैं चुपचाप से अपना काम करूंगा। वैसे स्टोन मैंने कलेक्ट किया है, तो यहाँ पे कुछ ट्रीज नजर आ रही थी उससे वुड कलेक्ट कर लेते, ठीक है। पिकेक्स निकालते अपनी, मतलब पिकेक्स रख देते और एक्स निकालते और फटाफट थोड़ा वुड कलेक्ट कर लेते, ठीक है। इस पेड़ को तोड़ देता हूँ जल्दी से और इससे मुझे थोड़ा वुड मिल जाएगा, ठीक है, फटाफट। ओके, इससे मुझे वुड मिल चुका है, ग्रास भी मिले, ठीक है। अभी देखते आगे और एक दो पेड़ है तो उनको भी तोड़ देते, छोटे मोटे पेड़ है इनको भी तोड़ देते। ओके, तो ये एक बड़ा सा पेड़ है, इसको पहले तोड़ते, इससे काफ़ी सारा उड़ अपने को मिलेगा, ठीक है। उड़ और गैज मेरे को पास में ना स्टोन भी काफ़ी सारा हो चुका है, उड़ भी काफ़ी सारा हो चुका है। अभी गैज मुझे क्या करना है, एक ऐसी अच्छी सी जगह ढूंढनी जहाँ पे मैं अपना बेस बना पाऊँ, अपना घर बना पाऊँ। उसके बाद में वहाँ पे मुझे कई सारे टेबल्स भी बनाने पड़ेंगे। वैसे इस गेम का मैप इतना ज़्यादा बड़ा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, जितना पैलवर्ड पीसी का ना उतना ही बड़ा है, ठीक है। अभी गैज जो ये नदी है ना, इसके आगे ना मेरे को सही नज़ारा लग रहा है, ठीक है। इस साइड में इतने कुछ रिसोर्सेज मिल नहीं रहे और यहाँ पे कुछ लोग भी दिखाई नहीं दे रहे, बट नदी के उस पार ना शायद कुछ अच्छी जगह मिल सकती है मेरे को, ठीक है। अभी तैरते तैरते चल जाते, और इसका पानी देख रहे हो ना भैया, क्या रियलिस्टिक लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर चढ़ जाते। ओके, अभी ऊपर नहीं चढ़ रहा, अभी क्या नदी में मर जाएगा, अभी ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा, एक मिनट इसको ट्राई करते ऊपर का चढ़वाने का। अभी ये ऊपर नहीं चढ़ रहा यार, अभी ऊपर चले जा भाई, नहीं तो इधर ही मर जाएगा नदी के अंदर, ठीक है। इसको ऊपर चढ़ा, ओके ठीक है, जंप करना था, ठीक है, जंप कर दिया और अभी ऊपर आ गया मैं। देखो न्यू गेम है ना, थोड़ी प्रॉब्लम होती स्टार्टिंग में, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे शायद ही किसी ने बेस बना के रखा है किसी का। वैसे यहाँ पे स्टोन पड़ा है तो स्टोन में कलेक्ट कर सकता हूँ, बट मेरे को अच्छा प्लेस चाहिए और थोड़ा ऊँचाई पर रहना तो और भी मेरे को सही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ऊँचाई पर अपन जाके देखते हैं। वैसे फ्लैट हुआ ना तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ ऐसा लग रहा है। ओके, एक नंबर गाइस, बहुत ही मस्त अपने को प्लेस मिल चुका है। देखो एकदम फ्लैट भी और ऊंचाई पे भी है ना, यहाँ का सब तरफ का नज़ारा भी दिखाई देता और मस्त लग रहा है, ठीक है। यहीं पर मैं अपना बेस बनाऊंगा। सबसे पहले ना एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपने को किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो क्राफ्टिंग टेबल होता है, क्योंकि इसी से ना अपन बाकी सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। मेरे को एक चीज़ देखनी है कि मैं पैल्स पेयर कैसे बना सकता हूँ, यानी कि अपने को पैल भी कैप्चर करने ना, उसके लिए पैल्स पेयर बनाना है, तो पैल्स पेयर मैं कहाँ से बना पाऊँगा, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें होकर, ठीक है। ये गज मेरा टेबल है, इसको मैं अपने इसी प्लेस पर रखना लो, ठीक है। इधर किधर रखूँ मैं इसको, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रख सकता हूँ। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक लाइन से काफ़ी सारे टेबल होंगे तो मैं सभी टेबल ना एक लाइन से रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पर ही रख देते, ठीक है, अपना टेबल यहाँ पे आ चुका है। ओके, अभी मैं इस टेबल के अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें बना पाऊँगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा मैं इस टेबल में कौन कौन सी चीज़ें बना सकता हूँ, ठीक है। वैसे कि इस टेबल के अंदर देखते अपन कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे ना अपने लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो भी मैं बना सकता हूँ फटाफट से। तो अभी मैंने एक रिसोर्स से स्टोन बना लिया, इससे क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास में टेक्नोलॉजी होती है ना उसको कंट्रोल कर सकते, उसे अपग्रेड करवा सकते, उसे लेवल अप करवा सकते। उसके लिए मुझे अपना वो जो ट्री आपने देखा, देखो बिल्कुल ये ट्री मैंने अभी बना लिया, इससे मैंने अपनी सारी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता हूँ, उसे लेवल अप कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने दो बना लिए, दो की कोई ज़रूरत नहीं थी, एक ही चाहिए था। अभी दूसरा में कहाँ लगा हुआ, वो लगेगा भी या नहीं, ठीक है। इधर ट्राई करते, ये इधर एक हॉर्स घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लग पा रहा है, ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है। वैसे दो बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने फालतू में वेस्ट कर दिया लगता है मेरा स्टोन और वुड, ठीक है, जाने दो, ये नहीं लग रहा है तो देखते बाकी का। अभी मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी, उसके लिए ना काफ़ी सारा स्टोन और वुड की जरूरत पड़ने वाली, तो मैं ऐसा वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अभी इसको रख देते बाजू में, अभी देखते हैं अपन इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी क्राफ्टिंग टेबल में जाते हैं और देखते हैं मेरे को बनाने के लिए एक पैल्स पेयर बनाने जो क्राफ्टिंग टेबल के अंदर बनेगा या फिर कहीं और बनेगा, वो मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट, क्राफ्टिंग टेबल के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें बना सकता हूँ, एक मिनट यार, सेट क्यों ना। ओके ओके, तो माइनक्राफ्ट लग रहा है यार मेरे को, ठीक है, इसके अंदर जो भी चीज़ें सारी माइनक्राफ्ट की चीज़ें लग रही है, काफ़ी सारे ब्लॉक्स से अलग अलग तरह के, जिससे मैं अपना शेल्टर अपना घर बना सकता हूँ जो काफ़ी तरह के। उसके बाद में बेड है, उसके बाद में टेबल है, चेयर है, उसके बाद में सारी चीज़ें जो माइनक्राफ्ट के अंदर होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें लॉक लग रही है, ठीक है, ये सब चीज़ें लॉक है क्या। अलग अलग तरह के टेबल्स है जो मुझे क्राफ्ट करने, बट ये टेबल्स तो अभी बनने के जैसे लग नहीं रहे, ये सारे टेबल है ना,
अभी के लिए लॉग इन को अनलॉक कैसे करना है वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी अपने को गेम के अंदर कुछ पता नहीं है ना, अपना फर्स्ट डे इसलिए ज़्यादा चीज़ें पता नहीं। ठीक है अभी देखते हैं और क्या क्या चीज़ें। ओके ठीक है ये कंपाउंड के लिए ओके, बहुत सारी चीज़ें कुछ गेम के अंदर। ये तो माइनक्राफ्ट और पैलवर्ड का मिक्स लग रहा है। ठीक है माइनक्राफ्ट और पैलवर्ड होते हैं ना उसका मिक्स गेम बना के रखा है इन लोगों ने अभी ये। तो ठीक है अभी क्या करते हैं अपन थोड़ा बाहर जाते हैं और बाहर से ना जो भी चीज़ें अपने को मिलेगी, स्टोन मिलता है, आयरन मिलता है या फिर और कुछ भी चीज़ें मिलेगी ना वो फटाफट कलेक्ट करके लेके आते हैं और देखते कुछ खाने का भी चाहिए होगा तो वरना ना बिना खाने का है ना अपन मर सकती, इसलिए खाना भी चाहिए होगा। स्टोन आयरन जो कुछ भी मिलेगा सब लेके आ जाएंगे। अभी रात भी हो रही है ठीक है रात भी हो जाएंगे। और ये देखो यहाँ पे एक पहले पहल से अभी कोई पंगा लेंगे नहीं क्योंकि छोटा मोटा पहल नहीं, 11 लेवल का पहले। ओके रैबिट यार इसको मार दूँ क्या? ठीक है इसको मार देते हैं। ठीक है अभी बाकी इधर रहे, मारना तो पड़ेगा बेटा तुझे, मुझे पीटने के लिए आया उधर। ठीक है भाग मत किधर भी, बाकी कोई फायदा नहीं तेरे से, मुझे ना तेरा मांस चाहिए। ओके काफ़ी सारा मीट भी मिल गया इससे और भी कुछ चीज़ें मिल गई। ठीक है अपन ने एक बेचारे रैबिट को मार दिया, रैबिट को नहीं मारना चाहिए था, छोटे मोटे पहल को मारना था तो रैबिट ही मिला मेरे को। ठीक है और एक पहल इसको भी मार दूंगा, 3 लेवल का। ठीक है इसे भी मार ही देते हैं। ठीक है अभी क्या मैं इनको पकड़ तो नहीं सकता, मार ही देते हैं। ठीक है देखते कितनी पावर इसमें, वैसे इतने पावरफुल तो नहीं है रे। ठीक है छोटे मोटे पहले ना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इनको इजीली अपन मार पा रहे हैं। और एक बात गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करो क्योंकि इस सीरीज़ के बहुत सारे वीडियोज अभी डेली अपने चैनल पर आने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है अभी गाइस मुझे क्या करना है, जो अपने बाकी टेबल्स है ना जिसके अंदर मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें क्राफ्ट कर पाऊँगा तो उन्हें मुझे अनलॉक करना है और उनको मैं अनलॉक कैसे कर सकता हूँ वो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है यहाँ से तो ये कोई अनलॉक हो नहीं रहा है, ठीक है इसका क्या सिस्टम है वो मेरे को चेक करना पड़ेगा और जो बाकी टेबल्स हैं उनको एक बार अनलॉक कर लूँ ना तो फिर फटाफट अपना काम आगे हो सकता है। ठीक है अरे नहीं हो पा रहा है, ठीक है इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा टेबल अनलॉक होते कहाँ से, एक मिनट मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है यहाँ से नहीं होते, एक मिनट गाइस तो मैंने एक ट्री बना के रखा शायद उसके अंदर से कोई सिस्टम होगा, एक मिनट इसके अंदर जाके देखते हैं और शायद होम मैनेजमेंट। ओके तो यहाँ पे मेरे पास में काफ़ी सारे पॉइंट है जिससे मैं सारे टेबल ना अनलॉक कर सकता हूँ। वैसे मेरा लेवल 1 है ना, लेवल 1 में जितने भी टेबल्स है ना वो सभी अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है फटाफट अनलॉक करते हैं। ठीक है 1 कर दिया मैंने, ये दूसरा वाला कर देते, तीसरा वाला, जितने भी नहीं सभी कर देते, जो भी चीज़ें ना टेबल अनलॉक कर दे। उसके बाद में एक सॉर्ड भी है, ओके सॉर्ड है और एक शर्ट भी यानी कि आर्मर भी अपने पास में। ठीक है आर्मर भी अपन अनलॉक कर देंगे, वैसे पॉइंट मुझे ना थोड़े बचा के रखने पड़ेंगे आगे ना और भी चीज़ें अनलॉक करनी है। तो ठीक है आज अपने को जो भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ना वो सारी चीज़ें तो मैंने अनलॉक कर रखी है। लेवल 2 पे भी इतनी बढ़िया चीज़ें तो नहीं, ठीक है एक ठीक है काफ़ी सारी चीज़ें तो ठीक है। लेवल 3 पे बढ़िया चीज़ें लग रही, ठीक है वैसे वेपन वगैरह ये सब नीचे होंगे, अभी तो ऊपर अपने को वेपन वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है वो बाद में देख लेंगे, वेपन की जरूरत नहीं है। ऊपर आपको एक पोके बॉल भी दिखाई दिया था तो उसको भी अपन क्राफ्ट कर सकते हैं। अभी चेक करते भैया, ठीक है इसको अपग्रेड करवाने के लिए काफ़ी सारा स्टोन और काफ़ी सारा वुड चाहिए जो मेरे पास में अभी ज़्यादा नहीं। ठीक मैं बाद में लेके आ जाऊँगा कलेक्ट करके। और अभी सुबह सुबह भी होगी ना, मस्त नज़ारा भी लग रहा है। अभी देखते भैया मेरे को क्या बनाना है, मेरे को ना कहते पॉकी बॉल बनाने की, अपने को ना पोकेमॉन पकड़ना है यार। पोकेमॉन जिसे अपन एमिकिन बोलते हैं, मतलब एमिकिन सर्वाइवल में एमिकिन बोलते हैं, इस गेम के अंदर अपन उसे पहल ही बोलेंगे क्योंकि एमिकिन सर्वाइवल खेले तो एमिकिन बोलने की आदत लगती है। उसके अंदर गए तो अपन पहल बोलते और इसके अंदर अभी क्या क्या बोल रहे पता नहीं। ठीक है अभी अपने को क्या करना है, अपने को और कुछ टेबल्स क्राफ्ट करने हैं। इन टेबल का क्या यूज़ है वो भी मुझे नहीं पता है, एक बार क्राफ्ट कर लेंगे उसके बाद में पता चलेगा कि उन टेबल से अपन क्या क्या चीज़ें बना पाएंगे। ठीक है वैसे 1, 2, 3, 4 टेबल में क्राफ्ट कर सकता हूँ तो सारे टेबल में बना लेता हूँ फटाफट से। टेबल बना लेते हैं उसके बाद में देखते हैं इसके अंदर का, शायद मैं आर्मर वगैरह ये सारी चीज़ें बना पाऊंगा। बट गाइस जो मेरे को मेन चीज़ बनानी है ना वो है गाइस पैल स्पेयर, क्योंकि मुझे पैल कैप्चर करना है, उसके लिए मुझे एक पैल स्पेयर बनाना है। उसके बाद में बाकी सब चीज़ें तो अपन सीख ही जाएंगे। ठीक है बोन फायर है, ठीक है बोन फायर तो ठीक है बना लूँ क्या, बोन फायर अपन बाद में भी बना सकते हैं क्योंकि अभी उसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि खाना वाना पकाने या फिर कोई चीज़ें मेल्ट करने के लिए बोन फायर काम आता है, बट अभी उसकी अपने को इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है तो अभी अपन ने जो टेबल बनाया ठीक है उसको मैं इसके बगल में रखूँगा। ठीक है इधर उधर नहीं रखेंगे, पूरे टेबल ना अपन यहाँ पे लाइन से रखेंगे। ठीक है इसके बगल में रखते हैं, ठीक है यहाँ पे से रहेगा क्या, ओके यहाँ पर एकदम से ये टेबल को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है तो अभी 2 टेबल अपन ने बना दी। ठीक है इसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें बना सकता हूँ वो मैं एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद में देखते दूसरे टेबल में तुम्हें बना सकता हूँ। ओके ये क्या चीज़ें, ओके ये अपनी हीलिंग के लिए लगता है। ठीक है ओके इसमें कोई इतनी काम की चीज़ें तो मेरे को लग नहीं रही यार, ये क्या चीज़ है ये तो पता भी नहीं आ रही, ऐसे अजीब अजीब चीज़ें आ रही इसके अंदर। ठीक है ये है क्या चीज़ें होगी, ठीक है इसका यूज़ क्या है वही नहीं पता। ऊपर की जो मेरे को हीलिंग के टाइप लग रही है, उसके बाद में ये क्या है यार, ठीक है इसमें कुछ घंटियाँ है वगैरह वगैरह। ठीक है अभी पता भी नहीं आ रही क्या सब चीज़ें यार, ठीक है फालतू में टेबल बना दिया लगता है मेरे को। ठीक है इसमें कोई यूज़ तो मेरे को लग नहीं रहा इतना ज़्यादा है, मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। ठीक है क्योंकि अब मुझे बनाना है पैल्स पेयर, ये सब चीज़ें मैं बाद में करूँगा, पैल्स पेयर पहले बनाना है। वो कौन से टेबल पर बनेगा भाई वो पता चल जाए एक बार, तो फटाफट चीज़ें मैं बना लूँ। ठीक है
तो गाइस शायद इस टेबल पे शायद बन जाए ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है इसके अंदर तो ठीक है अपन देख भी नहीं सकते ना यार कौन सी चीज़ें कौन से टेबल के अंदर बना सकते हैं, तो अभी देखते हैं। ठीक है मैं यही टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें आप शायद ऐसा मुझे लग रहा है इसका नाम देख के कि इसके अंदर मैं कुछ अच्छी चीज़ें बना पाऊँगा। ठीक है फटाफट क्राफ्ट करते हैं। वैसे क्राफ्टिंग में इतना टाइम नहीं लगता है, 5-6 सेकंड का टाइम लगता है। और एक और टेबल मैंने अभी क्राफ्ट कर दिया, इसको भी उसके बगल में रख देंगे। ठीक है एक और टेबल क्राफ्ट किया, इसको किधर रखे इधर इस साइड में रख सकते हैं अपन। तो कहते इस गेम के अंदर अभी अपने को कुछ इतना ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि कैसे ये गेम अपने लिए बहुत ज़्यादा न्यू है। वैसे एमिकन सर्वाइवल में अपन सब कुछ ईजिली कर लेते हैं क्योंकि वो गेम ना काफ़ी टाइम से अपन खेल रहे तो उसके बारे में सब कुछ पता है, इस गेम के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। बट कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ओके गए तो अभी देखते गए मेरे पास में सारी चीज़ें तो है। ठीक है अभी अपने को ना इस टेबल को अगर यूज़ करना है तो उसके अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें लग सकती है वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है वैसे इस टेबल को देखकर ऐसा लग नहीं रहा आपको कि इसके अंदर ना अपन काम की चीज़ें बना पाएंगे। ठीक है देखते भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें काम के बना सकते हो। ओके ये तो अपना सिंपल क्राफ्टिंग टेबल, ठीक है ये तो अपना वही पुराना टेबल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। मुझे ये न्यू वाला टेबल है गाइस, इसका यूज़ करके देखना इसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें बना सकता हूँ। ओके दिख गया हुआ देखो यहाँ पे। ओके तो ये रह गई पोके बॉल, इसमें इसको ड्रीम बॉल बोलते। ड्रीम बॉल अगर मैं बना लेता हूँ तो अपने को पहले तो ग्लास बनाना है, ग्लास से मुझे ये जो बॉटल है ना वो बनानी है, फिर जाके ड्रीम बॉल में बना सकते हो। और ग्लास बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है ओके ये क्या चीज़ है, फाइबर भी चाहिए। फाइबर मेरे पास में था ऐसा लग तो रहा है मेरे को। ठीक है पहले तो एक ग्लास बनाना है उसके लिए गए अपने को। ठीक है अपने को जो स्टोन है ना वो चाहिए, स्टोन मेरे पास में तो ठीक है पहले ग्लास बना लेते हैं, उससे वो बॉटल बनाएंगे। उसके बाद में गए पोके बॉल बनाने के लिए अपने को एक बॉटल और फाइबर लगता है। फाइबर मेरे पास में होगा, एक बार चेक कर लूँगा मैं। ठीक है ग्लास मैंने बना लिया, ठीक है ग्लास के लिए कोई टेंशन नहीं। उसके बाद मैं ग्लास से ठीक है 2-3 ग्लास बना लेते हैं क्योंकि ना ज़्यादा बॉल बनाएंगे फिर ज़्यादा पहला पन्ना ईजिली कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है भाई अपना जल्दी से पोके बॉल अभी रेडी होने वाला है। ठीक है फटाफट में काम करो, स्टार्टिंग में तो अपने को ही काम करना पड़ता है, बट जैसे पोकेमान अपन कैप्चर कर लेंगे ना फिर उनसे काम करवाएंगे। ठीक है अभी अपन एक ग्लास से एक बॉटल बना रहे हैं, उस बॉटल से अपन पोके बॉल बनाएंगे। ठीक है बॉटल में जल्दी से बना लो, उसके बाद में पोके बॉल बनाएंगे। ठीक है ठीक है बॉटल भी अपनी हो चुकी है रेडी, अभी इससे बनाएंगे पोके बॉल। ओके ठीक है बॉटल मेरी रेडी हो चुकी, बट फाइबर यार हार्डनेट फाइबर ये मेरे पास में लग नहीं रहा है। ठीक है वैसे मेरे पास में नहीं है, ठीक है मेरे पास में कोई तो फाइबर था यार, मैंने एक ट्री काटी थी ना तो मुझे कुछ फाइबर मिला था हार्डनेट फाइबर। ओके ठीक है ये फाइबर प्लांट फाइबर है, ठीक है अपने को हार्डनेट फाइबर चाहिए, वो मुझे कहाँ से मिलेगा वो पता नहीं है। ठीक है अभी उसको ढूंढना पड़ेगा, वो फाइबर मेरे को मिलेगा तो मिलेगा कहाँ से क्योंकि पता नहीं है ना क्या चीज़ें कहाँ पर मिलती हैं और कैसे कैसे बनानी पड़ती हैं। ठीक है एक बार मैं चेक करता हूँ ये कैसे मिलेगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या। ठीक है यार ये मुझे को कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है कहीं से ना कहीं से तो मिल जाएगा। ठीक है अभी जाकर देखते हैं कि अपने को हार्डनर फाइबर कहाँ से मिलेगा। तो फटाफट अपने को हार्डनर फाइबर अगर मिल जाता है ना फिर कहते अपन ना इजिली पोके बॉल बना पाएंगे, जिसे इसके अंदर ड्रीम बॉल बोलते हैं। ठीक है ड्रीम बॉल बोलेंगे अपन, ड्रीम बॉल बनाने के लिए अपने को चाहिए फाइबर। ठीक है तो कहते मैं ये ट्रीज अगर काट लूँ तो क्या मुझे इनसे फाइबर मिल पाएगा, देखते ट्राई करके। ठीक है यहाँ की ट्री थोड़ी अलग लग रही है मेरे को, अपने एक्स निकालते और इस ट्री को ना फटाफट कट कर देते और देखते इसके अंदर क्या मिलेगा अपने को। ठीक है फटाफट हो जाए भैया जल्दी जल्दी काम करते। ओके तो इसके अंदर मेरे को हार्डनर फाइबर मिल गया, ठीक है जिस चीज़ की जरूरत थी वो मेरे को मिल गया। चलो कोई टेंशन की बात नहीं, अभी निकलते सीधा और एक ड्रीम बॉल बनाते हैं, उसके बाद में अपन करेंगे पहल कैप्चर। ठीक है वैसे टाइम आ चुका है अपने को करना है फटाफट अभी पहल कैप्चर। ठीक है फटाफट जाते ऊपर, अपना बेस ऊपर है, अपना बेस ऊपर है। वैसे नीचे ना काफ़ी सारे दूसरे लोगों के भी बेस है, उनसे अपने कोई मतलब नहीं क्योंकि वहाँ पर अपन कुछ नहीं कर सकते। वैसे उनके फार्म से ना चोरी कर सकते हैं बट बाकी चीज़ें नहीं उठा सकते। अभी कहते अपने को एक ड्रीम बॉल बनाना है, उसके लिए अपने को फाइबर मिल चुका है, फटाफट क्राफ्ट करते हैं ड्रीम बॉल। ठीक है अभी ये क्या ओपन हुआ, ओके मैं इसके अंदर तो ड्रीम बॉल नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है इसके अंदर अपने शॉर्ट वॉर है, शॉर्ट बना सकते हैं, उसके बाद में अपन और भी चीज़ें बना सकते हैं। ये सब चीज़ें तो बना लेते हो, पहले क्या करते हैं एक शॉर्ट भी बना लेते हैं क्योंकि अपने को फाइट करनी पड़ेगी तो शॉर्ट की भी जरूरत पड़ सकती है, तो एक शॉर्ट बना लेते हैं। ठीक है शॉर्ट अभी मैंने बना ली, अभी मेरे को एक ड्रीम बॉल बनाना है। ठीक है ड्रीम बॉल बनाते हैं फटाफट से। तो कहते मैंने एक न्यू टेबल बनाया था जिसके अंदर अपन आर्मर अपन शॉर्ट वॉर जो भी होते हैं वेपन सब चीज़ें उसके अंदर बना सकते हैं, जो बगल में जो आपको न्यू टेबल दिख रहा है ना उसके अंदर। ठीक है अभी अपना ड्रीम बॉल हो रहा है रेडी है। ठीक है ड्रीम बॉल अपना रेडी हो चुका है, अभी अब क्या करेंगे अपन करेंगे एक पैल कैप्चर क्योंकि मुझे कहते अकेले काम नहीं करना है, मुझे अकेले रहने में यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा। अगर अपने साथ में कोई पैल होगा ना तो अपन ज़्यादा बोरिंग नहीं होंगे, उससे काम भी करवा पाएंगे और अपने को ना सपोर्ट वगैरह भी करेगा, किसी को मारना हो तो वह भी वो आ जाएगा। ठीक है तो कहते पैल स्टार्टिंग में आप सभी को पता है कोई सिंपल पैल कैप्चर करते इसकी पावर थोड़ी कम हो, नहीं 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 इसके लेवल को ज़्यादा लग रहे, कोई नॉर्मल सा पैल होना है 1 लेवल का तो सही हो जाएगा। ठीक है ये हॉर्स भी नहीं करूँगा अभी, आज यार तुमको नहीं करना मेरे को। 4 लेवल का है रैबिट यार, बट इसको यार रैबिट थोड़ा अजीब लग रहा है, रैबिट को नहीं करते, इतना छोटा सा लग रहा है ना
कोई और पहल था कि वो स्टार्टिंग में अपन एक पहल को मारा था वो भी 2-3 लेवल का था, अगर उसको कैप्चर करे अभी नहीं बेटा तेरे को नहीं कर रहा, मैं चुपचाप से अपना निकल रहा हूँ, तेरे से कोई पंगे नहीं ले रहा बेटा, मैं अपना चुपचाप से छोटा मोटा पहल ढूंढ रहा हूँ ठीक है। ओके सामने का एक छोटा सा पहल मेरे को नजर आ रहा है, इससे शायद अपन कैप्चर कर पाएंगे, ट्राई करते देखते। वैसे 5 लेवल का है, इसका नाम है पूपू ठीक है, वो हॉर्स तू बाजू में चले जा, मैं इसको कैप्चर करने वाला ठीक है, पहले इसको थोड़ा पीटना पड़ेगा उसके बाद में कैप्चर। वैसे अटैक नहीं करता क्या, नॉर्मल पहले क्या वेजिटेरियन पहले क्या नॉर्मल सा, अभी ठीक है अटैक कर रहा है क्या मेरे पे, अभी ठीक है यार अटैक कर रहा है लगता है, वो छोटा मोटा अटैक कर रहा है ठीक है। अपना बॉल निकाल तो इसको करते हैं फटाक से कैप्चर ठीक है, अपना बॉल निकाला वो जो है कैप्चर, अबे बॉल वेस्ट हो गया, अबे कैप्चर कैसे नहीं हुआ, इजीली कैप्चर होना चाहिए थे, बॉल तो उधर चला गया और ये कैप्चर भी नहीं हुआ ठीक है, इसको मार देना पड़ेगा ठीक है। मेरा बॉल वेस्ट कर दिया इसने, कैप्चर भी नहीं हुआ और बॉल भी वेस्ट कर दिया इसने, पता नहीं यार कैप्चर क्यों नहीं हुआ, पता नहीं मैंने बॉल तो सही फेंका था फिर भी ये बंदा कैप्चर हुआ नहीं ठीक है। एक और बॉल बनाना पड़ेगा अभी ठीक है, अभी फाइबर लेके आना पड़ेगा, उसके बाद में ग्लास बनाना पड़ेगा, उसके बाद में गाइस बॉटल बनानी पड़ेगी, फिर जाके पोके बॉल बनता है ठीक है। बहुत झंझट है, बहुत ज़्यादा झंझट है, और कोई बात नहीं कर लेते फटाफट से। तो मैंने एक और बॉल बना लिया, अभी इसको कैप्चर करने की ट्राई करेंगे, अभी ये मर गया यार, अभी मैं कैप्चर कर रहा था ये बेचारा मर गया ठीक है। एक और बॉल अभी मैंने बना लिया, देखते हैं किसी को ना किसी को ट्राई करेंगे कैप्चर हो या फिर नहीं हो, अपन ट्राई तो करता रहना पड़ेगा ठीक है। इसको करूँगा ट्राई ठीक है, पहले धोते थोड़ा इसको फिर उसके बाद में ट्राई करते हैं ठीक है। भाई पोपू तू तो आ जा यार कब से मैं ठीक है, ज़्यादा नहीं मारेंगे यार क्योंकि ज़्यादा मारता हूँ ना तो खत्म हो जाता है ठीक है। अभी यार मत अटैक कर मुझ पर, मैं तुझे करने वाला हूँ कैप्चर। ओके ठीक है अभी सही तरीके से निशाना पकड़ना पड़ेगा, लास्ट टाइम शायद मैंने निशाना गलत कर दिया ठीक है, तू चले जाए चुपचाप से वरना तू ही हो जाएगा। अबे यार ठीक है गलती से उसको ना एक फटका पड़ गया, उसमें वो मर गया ठीक है यार। एक बार फिर से स्पॉन हुआ यहाँ पे, इसको करते कैप्चर, अभी ट्राई करते कैप्चर करने की, अभी तो कैप्चर करूँगा ठीक है, ज़्यादा नहीं मारना पड़ेगा ठीक है अभी प्रॉपरली मारूंगा भैया प्रॉपरली एकदम ठीक है ठीक है एकदम मार। अबे ठीक है अभी सही लगा ना, ओके ओके हो गया लगता है कैप्चर ठीक है, सक्सेसफुल तो बता रहा है ठीक है सक्सेसफुल हो गया, बट किधर हुआ अबे आया क्यों नहीं, किधर आएगा वो पता नहीं, देखना पड़ेगा मेरे को। वैसे सक्सेसफुली कैप्चरिंग तो बता रहा था यार, एक बार चेक करते किधर मिला मेरे को, अभी एक मिनट मेरे बेस पे जाओ फिर चेक करते कि अपना जो पोकेमॉन है जो अपना पहले वो अपने को मिला किधर है ठीक है। बैकपैक के अंदर तो नज़र नहीं आ रहा ठीक है, किधर भी नज़र नहीं आ रहा बैकपैक के अंदर, ओके किधर भी तो दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है। एक मिनट यार मैंने कैप्चर तो किया इसको बट ये मिल क्यों नहीं रहा मेरे को ठीक है, ये क्या है। अब यार कैप्चर तो किया था मैंने बट मिल ही नहीं रहा है ठीक है, क्या प्रॉब्लम हुई पता नहीं, बट मैंने कैप्चर तो कर लिया था उसको यार, बट वो मिल क्यों नहीं रहा पता नहीं यार ठीक है। अभी पता भी नहीं हो किधर कैप्चर हुआ ठीक है, मैंने अपनी इन्वेंटरी में देख लिया बाकी सब चीज़ें तो सभी चीज़ों यहाँ पे तो नहीं आएगा रो ठीक है। ठीक है अभी ये पहल तो मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, अभी क्या करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये पहल कहाँ पर कैप्चर हुआ और कैसे होगा या फिर इसका यूज़ कैसे, सब कुछ अपन नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते गए जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड में। अभी मैं अपनी ट्री भी अपग्रेड करवा ली, नेक्स्ट एपिसोड में ना और भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सबसे पहले तो अपन अपने पहल को देखने वाले ठीक है।